इस स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप YouTube वीडियोस देखते देखते और भी दूसरी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखते रहे इस वीडियो को। नमस्कार, मैं मनोज सर आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर एक एप्लीकेशन सर्च करना है जिसका नाम है फ्लाई ट्यूब। आपको सबसे पहले दिख जाएगा, उसमें इसके बाद से ओपन करना है और इंस्टॉल कर लेना है अपने डिवाइस पे। इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन कर लेना है सिंपली। उसके बाद आपको यहाँ पर सिस्टम ओवरले का ऑप्शन दिखाई देगा, इस मोड को ऑन कर लेना है आपको। उसका नेक्स्ट मोड जो दिखेगा वो परमिट ड्राइंग का दिखेगा, इस मोड को भी आपको ऑन कर लेना है। अब आपको सीधा अपने मोबाइल के यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को सर्च कर लीजिए। उसके बाद वीडियो के नीचे आपको एक शेयर बटन का ऑप्शन दिखाई देगा। जी हाँ, देखिए ये रहा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लाई ट्यूब का एप्लीकेशन दिखाई देगा, उस पर ओके कर देना है आपको। जैसे आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो तो आप देख सकते हैं यूट्यूब वीडियो का जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, यानी इसका स्क्रीन साइज छोटा हो गया। आप इसे चाहे जहाँ मर्जी मूव कर सकते हैं और यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को देखते देखते आप और भी कई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, गेम्स वगैरह कुछ भी खेल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा YouTube वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करें। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।